हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर फंक्शन एंड दिस विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑन फंक्शन। वैसे तो फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमारे कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। वैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो वही चीज है। मैंने बोला कि दो फंक्शन को हम आइडेंटिकल कब बोलेंगे, जब वो एग्जैक्टली सेम होंगे। ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में कि एग्जैक्टली सेम होंगे। मैथमेटिकली क्या बोलेंगे हम, कि उन दोनों फंक्शन के रेंजेस सेम होंगे, डोमेन सेम होगा, प्लस हर एक एक्स के लिए जो वाई मिल रहा है करस्पॉन्डिंग, वो भी सेम होगा। फॉर सेम एक्स यू शुड गेट सेम वाई फॉर बोथ द फंक्शन, क्लियर है। तो इसको हम लिख लेते हैं। मैंने बोला टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शंस इफ दे हैव सेम रेंज एज वेल एज डोमेन, सेम रेंज एज वेल एज सेम डोमेन, एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस सेम वाई फॉर गिवन एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, एग्जाम्पल मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक मैंने लिया एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू वन। तो आर दीज आइडेंटिकल, हमें हर रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है ना, डोमेन रेंज एज वेल एज दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग सेम वाई फॉर द गिवन एक्स। तो देखो जो ये तो हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ऑलवेज वन। अब इसका डोमेन क्या है, x हम कुछ भी रखते हैं साइन और कॉस में, तो दिस इज वन फॉर ऑल x, और मेरा g ऑफ x तो वन दे ही रखा है, ठीक है। तो दोनों की डोमेन क्या है, r है, रेंज इज सिंगल एलिमेंट वन, एंड बोथ आर सेम प्रोड्यूसिंग सेम y, x हम कुछ भी रखे दोनों वन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो एफ एक्स एंड जी एक्स हियर आर आइडेंटिकल फंक्शंस, क्लियर है। जैसे और एग्जांपल, अब जैसे मैंने इसी का एक और एग्जांपल लिया मैंने एक एफ एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और जी एक्स लिया वन, ठीक है। तो सोचो कि ये फंक्शन आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे, तो वीडियो पॉज करो, जस्ट थिंक इट, दीज टू फंक्शन आर एक्चुअली नॉट आइडेंटिकल। और तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक आइडेंटिटी है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू वन, विच इज करेक्ट, बट दिस इज वन नॉट फॉर ऑल x। हम इधर इस वाले एफ एक्स में हम क्या नहीं डाल सकते, cos डिनोमिनेटर आ रहा है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं डाल सकते। तो इसका जो डोमेन है दैट इज r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, और इसका डोमेन क्या है, ये तो r है पूरा, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो देखो डोमेन अलग अलग हुए हैं ना, सो हम इन दोनों फंक्शंस को आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे, क्लियर हुआ बच्चों। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो। आइडेंटिकल फंक्शन एग्जाम्पल 3, मैंने बोला वाई इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और एक मैंने जी एक्स लिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब मैंने तुम्हें बोला आर दीज टू आइडेंटिकल, जस्ट थिंक इट, मैं बताने जा रहा हूं ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। Although, ये जो चीज है वो पाई बाई टू के बराबर होती है, तो देखने में तो लग रहा होगा कि एफ एक्स पाई बाई टू है, जी एक्स पाई बाई टू है, बट दिस इज पाई बाई टू ओनली फॉर इट्स डोमेन ना। जैसे हम माइनस वन से वन के बाहर नहीं रख सकते ना, जैसे साइन इनवर्स टू नहीं रख सकते, इसमें थ्री नहीं रख सकते, वन के राइट में जो भी एक्स है वो नहीं रख सकते, माइनस वन के लेफ्ट में जो भी एक्स है वो नहीं रख सकते। इधर हमारा बेसिकली डोमेन क्या है, डोमेन इज माइनस वन से वन। एक्चुअली ये जो चीज में पाई बाई टू होती है कब होती है, फॉर इट्स डोमेन माइनस वन टू वन, बट दिस इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, दिस इज ऑलवेज पाई बाई टू, हैज दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल,
क्लियर हुआ? और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और जी एक्स ले लिया मैंने पाई बाय टू। अब सोचो क्या होगा, पॉज इट अगेन। अब आंसर क्या मिलेगा हमें, दे आर आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि ये tan inverse plus cot inverse x है ना, ये हमेशा pi by 2 होता है for all x, because मैंने बताया था tan inverse x का डोमेन क्या होता है, जो tan x का रेंज होता है, और हमें पता है tan x का रेंज क्या होता है, all real numbers, वो पूरा y axis कवर करता है। Hence these two are identical, clear है? Fifth one, मैंने लिया y is equal to sin x and y is equal to let's say cos x। अब क्या होगा ये? Of course identical नहीं होंगे, ठीक है? दोनों का डोमेन और रेंज सेम है, डोमेन all real values है, रेंज इज माइनस वन टू वन, बट क्या ये सेम y प्रोड्यूस करेंगे सेम x पे? नहीं, जैसे x में पाई बाय टू डालूंगा तो ये वन प्रोड्यूस करेगा, ये जीरो, तो ये आइडेंटिकल तो ही नहीं सकते। और वैसे भी क्लियरली दिख रहा है, दिस इज डिफरेंट फंक्शन, दिस इज डिफरेंट फंक्शन, hence these two are not identical, ठीक है? अच्छा, और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा जैसे चलो मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री, एक तो मैंने ये लिया और एक लिया मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। वीडियो पॉज करके सोचो क्या ये दोनों सेम है, सेम मतलब आइडेंटिकल है क्या? सो आंसर क्या मिलेगा हमें, नहीं है, डोमेन अलग है। डोमेन क्यों अलग है? देखो इसका डोमेन निकालोगे तो रूट अलग अलग लिखा हुआ है, तो हम इसका डोमेन क्या बोलेंगे? ऊपर वाला कब डिफाइन होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। नीचे वाला कब डिफाइन होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो दोनों कब डिफाइन होंगे? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो इधर इसका डोमेन क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और इसका डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, तो रूट के अंदर जो लिखा है दैट इज x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में x माइनस थ्री, ठीक है? तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं हम, लोकेट करते हैं रूट्स को नंबर लाइन पे, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा आंसर सॉरी ये टू है और ये मेरा थ्री है, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी। तो डोमेन सेम है क्या? नहीं है, हैंस दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल, क्लियर है बच्चों? चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपी करते जाना, ठीक है ना, मैं बीच में रब करते जाऊंगा। चलो मैंने और एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर और एक लिया वाई इज इक्वल टू एक्स, एक मैंने ये लिया वाई वन लेट से और ये वाई टू, आर वाई वन एंड वाई टू आइडेंटिकल? तो सोचो, वीडियो पॉज करो, देखो दिखने में तो लगेगा कि ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, एक्स आएगा, तो आइडेंटिकल लग रहे हैं, बट एक्चुअली आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? डोमेन देखो, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, हम अंडर रूट के अंदर x लिखा है ना, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब x बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी, और इधर डोमेन क्या है, r, तो डोमेन सेम है क्या? नहीं है, हैज दीस टू आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा और देखो, और मैं ले लेता हूं, चलो एक और अच्छा एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, एक तो y इज इक्वल टू दिस y1 लेट से, और दूसरा फंक्शन है y2 इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर फोर। ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में भी लिया था तुम लोगों को ये वाला पार्ट, ठीक है? सो पॉज करके सोचो, देखने में तो देखो इसको भी, इसको क्या लिखेंगे हम, दिस इज बेसिकली सिंप्लीफाई करके x आएगा, और ये क्या आएगा बेसिकली मॉड x। तो देखो फंक्शन ही अलग होगा, क्लियरली दिख रहा है, मॉड x का ग्राफ अलग होता है, x का अलग होता है, या फिर ऐसे बोल लो डोमेन तो सेम है दोनों का, बट रेंजेस अलग, सॉरी हाँ रेंज अलग है। इसका रेंज क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज क्या है, जीरो से इंफिनिटी, तो रेंज अलग है, हैज द फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल। तो समझ में आ गया आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब बेसिकली क्या, सेम ही चीज है, एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसको ही अलग फॉर्म में लिखा है। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक लिखी है वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो इस टाइप की चीज। आइडेंटिकल मतलब हर रिस्पेक्ट में दोनों सेम होना चाहिए, डोमेन रेंजेस एज वेल एज जो प्रोड्यूस करे वाई एक्स, किसी भी एक्स के लिए वो सेम वाई प्रोड्यूस करना चाहिए, क्लियर है बच्चों? चलो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वीडियो पॉज करो, ये एक सारे एग्जांपल्स कॉपी कर लो। चलो अब नाते हैं नेक्स्ट इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन, सेकंड पॉइंट इज
होमोजीनियस होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या है होमोजीनियस एक्सप्रेशन, क्या होगा उसके बाद हम एग्जांपल्स लेंगे। तो मैंने बोला द एक्सप्रेशन f ऑफ x कॉमा वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n इफ। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, देखना पहले मैं एग्जांपल देता हूं फिर कंडीशन लिखता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बोला तुम्हें पहले भी बताया वैसे तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है, हर एक टर्म जो है ना उसमें डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा अभी मैं इधर लिख रहा हूं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उससे पहले एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से 3y स्क्वायर, तो इट इज होमोजीनियस। हाँ क्यों, क्योंकि हर एक जो टर्म है दैट इज ऑफ 2 डिग्री, हेंस दिस इज होमोजीनियस। और एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 5, नाउ इज इट होमोजीनियस, तो आंसर मिलेगा नहीं है बिकॉज ऑफ दिस 5, क्योंकि इस 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, इसका डिग्री क्या है 0, इसका डिग्री क्या है 2 प्लस 1 3, इसका 3, तो दिस इज नॉट अ होमोजीनियस। हर एक टर्म जो होना चाहिए ना दैट शुड बी ऑफ सेम डिग्री, सो दिस इज नॉट होमोजीनियस। अगर ये 5 नहीं होता तब मेरा होमोजीनियस हो जाता, विद अ डिग्री 3। समझ में आ रही है, एग्जांपल हो गया। अब इस एग्जांपल के आधार पर मैं डेफिनेशन मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखना क्या कर रहा है। मैंने लिखा द एक्सप्रेशन f ऑफ x कॉमा वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n इफ, देखना ध्यान से, f ऑफ क्या किया मैंने, x की जगह t ऑफ t इनटू x रखा और y की जगह t इनटू y रखा। इफ ऐसा रखने पे अगर तुम ऐसा ऑब्टेन हो जो मैं लिख रहा हूं अभी, देखना t raised to power n इनटू f ऑफ x कॉमा y, देन माय एक्सप्रेशन f ऑफ x कॉमा y विल बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। जैसे आप सोचो इसमें रखते तुम, इस वाले एग्जांपल में रखते तो क्या होता है, f ऑफ tx कॉमा ty कितना आता तुम्हारा, t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 t स्क्वायर y स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा t स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये मेरा f ऑफ x कॉमा y आ गया। तो t स्क्वायर इनटू f ऑफ x कॉमा y, तो देखो t स्क्वायर आया तो डिग्री हमारा कितना हो गया, डिग्री हो गया हमारा 2। अब देखो इसमें रखते तो क्या दिक्कत होती है, जैसे इधर 5 लिखा था पहले, अगर इसमें रखते तो देखो इधर तो आ जाता टी क्यूब इंटू एन एक्स क्यूब, इधर आ जाता टी क्यूब इंटू 3x स्क्वायर y, यहां तक तो चलता, पर यहां टी आता ही नहीं तो टी कॉमन ले ही नहीं पाते। पर हमें इसमें क्या बोला है, सारा टी बाहर निकल जाए और यही एफ एक्स जनरेट हो जाए तब हम इसको होमोजीनियस बोलेंगे। समझ में आया, इसे और एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लेट्स एक्स माइनस 3y अपॉन 2x माइनस 5, इज इट होमोजीनियस। तो देखो अगर तुम्हें डायरेक्टली नहीं पता चला तो इस डेफिनेशन से जाओ, जैसे इसमें तो डायरेक्टली बोल दिया था मैंने, इसमें भी डायरेक्टली बोल दिया था। अब जैसे इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है मान लो एक मिनट के लिए, तो क्या करो डेफिनेशन से जाओ। डेफिनेशन से जाओगे तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई विल बी टी एक्स माइनस 3ty अपॉन 2tx माइनस ty। सो यू कैन सी टी कॉमन ले लेते हैं वो कैंसिल हो जाएगा, यू विल लेफ्ट आउट विद टी माइनस सॉरी एक्स माइनस 3y अपॉन 2x माइनस 5, एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स कॉमा y ओनली। तो इधर मैं t की पावर 0 लिख सकता हूं, तो क्या बोलूंगा, दिस इज अ होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 0। क्लियर हुआ, आई होप समझ में आया होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, तो उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। मैंने लिखा f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू ln x प्लस ln y, तो क्या होमोजीनियस होगा ये, जस्ट थिंक इट। तुम उसमें वो जो इक्वेशन बताई थी f ऑफ tx कॉमा ty इज इक्वल टू t रेस टू पावर n इनटू f ऑफ x कॉमा y, उसमें रख के देखो, तो दिख रहा इसमें अगर tx रखा तो t बाहर आ पाएगा क्या, नहीं वो तो लॉग के अंदर फंस गया, या तो प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या लिखोगे ln x प्लस ln t, बट t तो नहीं आ पाएगा ना बाहर, तो हेंस दिस इज नॉट होमोजीनियस। और लिख लेते हैं, मैंने लिखा f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू ln x माइनस ln y प्लस 5, लेट्स से। अब बताओ ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा,
ये इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज डायरेक्टली तो तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन जो मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा था उससे सॉल्व करोगे तो माइट बी यू कैन यू विल बी एबल टू सॉल्व, तो आंसर मिलेगा दिस इज होमोजीनियस। कैसे? तो मैंने जैसे ऐसे लिखा एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, तो कितना आ जाएगा एल एन एल एन एक्स टी माइनस एल एन वाई टी प्लस फाइव। फिर एल एन ए माइनस एल एन बी का फॉर्मूला लगाया तो एल एन ऑफ ए बाई बी जाएगा एल एन ऑफ एक्स टी अपॉन वाई टी प्लस फाइव, तो टी कैंसिल हो गया तो इट इज लेफ्ट इट इज एल एन ऑफ एक्स वाई बाय प्लस फाइव। फिर इसको मैं फर्दर इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस फाइव। तो देखो ये मेरा क्या आ गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये आ गया, इधर मैं आगे लिख सकता हूँ टी की पावर जीरो। समझ में आया? तो दिस इज अ होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री जीरो। इसका यूज कहाँ आएगा? वैसे आगे चल के कैलकुलस में आएगा, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जो होमोजेनियस इक्वेशंस पे लगता है, ठीक है ना, तब इसका यूज आएगा, बाकी बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसलिए इसको मिसलेनियस पॉइंट्स में रखा गया है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ये होगा हमारा सेकेंड पॉइंट दिस होमोजेनियस एक्सप्रेशन। मैं इसको रब कर रहा हूँ, जस्ट कॉपी दिस पार्ट। अब सुनना नेक्स्ट जिसको रब करके अब देखना नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ वन बाय एफ एक्स, और वेयर ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज गिवन, वेयर ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज गिवन, मतलब क्या है हमारा कि हमें एफ एक्स का ग्राफ दिया है और मुझे उसका रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है, मतलब या फिर ऐसे लिख लो टॉपिक ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा दिस इज नॉट एफ इनवर्स एक्स, अगेन एफ इनवर्स एक्स अलग चीज होती है, ये तो एफ एक्स की पावर माइनस वन है, मतलब वन अपॉन एफ एक्स। तो देखो इसमें करेंगे क्या, स्टेप लिख लो बस, उसके बाद एक डायरेक्टली एग्जाम्पल में मूव करेंगे। एक ही स्टेप है, क्या करना है तुम्हें, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अलग अलग एनालिसिस करना है, ठीक है। क्या बोल रहा मैं, एनालाइज पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई सेपरेटली एंड सी देयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर, एंड सी देयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर। इसका मतलब क्या है वो भी एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एंड सी देयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर। इंक्रीजिंग मतलब इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जैसे लेट्स से वन एक्स इज इक्वल टू वन से टू के लिए मेरा एफ एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली वन बाय एफ एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमें क्या करना है, पूरे जो जिस एफ एक्स दे रखा है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है उसका उसके लिए अलग सेपरेटली ग्राफ बनाएंगे, सेपरेटली अलग उसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाएंगे, पहले उस पर फोकस करेंगे। फिर जो नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाई है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है, फिर उसको ड्रॉ करेंगे। उनको भी कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो हमारा वन बाय एफ एक्स डिक्रीज करेगा, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है ना। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं मैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। मैंने बोला लेट्स से मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, चलो एक काम करते हैं इसको ऐसा बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट्स। तो लेट्स से ये मेरा पॉइंट है टू, दिस इज लेट्स से वन, दिस इज जीरो, एंड दिस मैक्सिमम ऑकर्स एट लेट्स से थ्री, एंड दिस इज लेट्स से फोर, और ये मेरा वैल्यू आ रहा है लेट्स से फाइव, और ये है मेरा सिक्स। ये ब्लू वाला बनाया मैंने, दैट इज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखते हैं इसको समझते हैं। अब सुनना मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हम पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अलग अलग डील करेंगे, ठीक है ना, मतलब सेपरेटली एनालिसिस करेंगे। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव पार्ट, क्योंकि नेगेटिव कम दे रखा है, पहले मैं उस पर फोकस करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जो एफ एक्स है, अच्छा इसको मार्क करना पड़ेगा, लेट्स से माइनस टू, ठीक है। अब मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस टू। मैंने बोला एफ ऑफ वन कितना है, माइनस टू फ्रॉम द ग्राफ। तो वन अपॉन एफ वन कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। तो वन पे तो वैल्यू कितनी है, वन पे वैल्यू कितनी है, देखो हमें रफ स्केच से मतलब, हमें एग्जैक्ट कर्व से मतलब नहीं है, वन पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने, एफ ऑफ वन माइनस टू है, तो वन अपॉन एफ वन कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल विच इज माइनस हाफ। अच्छा
अब इंपॉर्टेंट चीज है, आप सुनना, मैंने बोला एक्स एक्स एफ ऑफ टू कितना है, एफ ऑफ टू कितना है, जीरो। तो अब ऐसे एक एक पॉइंट और इसमें अगर ऐड करना है तो कर सकते हो, हालांकि जहां भी फंक्शन कट करेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को, उसके रेसिप्रोकल में उधर क्या आएगा, एस एम डॉट। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो उसका रेसिप्रोकल टू पे कितना होगा, वन अपॉन जीरो, विच इज अनडिफाइंड, मतलब इंफिनिटी। तो मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू टू पे एक एस एम डॉट आने वाली है, लेट से दिस इज अ x is equal to 2 line, एक asymptote आने वाली है। अब सुनना, अब मैंने बोला इधर function का nature क्या है, increase कर रहा है इस interval में, तो उधर क्या करेगा, 1 upon f x, decrease करेगा, और decrease करेगा तो देखो graph कैसा होगा, कुछ तो इस type का, तो मैं आ गया, decrease कर रहा है, इधर increase कर रहा है तो उधर decrease कर रहा है, 2 will be the asymptote, 2 को कभी approach नहीं कर पाएगा, जैसे जैसे function 2 की तरफ जाएगा, 1 upon f x infinity की तरफ जाएगा, it will never be infinity because this 1 upon f2 is not defined, clear है बच्चों? तो यहां जहां function graph x axis को cut करेगा उस point पे asymptote बनाएंगे हम, ठीक है? पहले वो point add करना है तो इसी के अंदर add कर लो। अब आते हैं हम किस पे, अपना positive part के लिए। तो positive part के लिए अब मैं positive में भी क्या increasing decreasing कहां कहां है किस range के लिए पहले वो देख लेता हूं। तो for x is equal to 2 से 3 यहां से यहां तक function increase कर रहा है, तो मेरा ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, अब डिक्रीज भी करेगा, ये बात तो क्लियर है। चलो, अब मैंने बोला नेचर कैसे बनाया, तो पहले तो मैंने x is equal to 3 पे वैल्यू कितनी है 6, fx की, मैंने बोला f of 3 कितना है 6 है, तो 1 upon f3 कितना होगा 1 by 6। तो देखो पहले तो मैंने x is equal to 3 पे वैल्यू बना देता हूं, लेट्स से दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज लेट्स से 3, 3 पे वैल्यू कितना बोल रहा है वो, 1 upon f3 कितना होगा 1 by 6, तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट 1 by 6, मैंने इसको डेड डैश कर देता हूं, दिस इज 1/6, ठीक है। अब मैंने बोला कि 2 से 3 के लिए, 2 पे तो एसिम्प्टोट है, 2 से 3 के लिए इधर इंक्रीज कर रहा है उधर डिक्रीज करेगा, तो नेचर कैसा होगा ग्राफ का, ऐसे कुछ तो आ रहा होगा, 2 विल बी द एसिम्प्टोट, तो ये एसिम्प्टोट इसको एसिम्प्टोट को अप्रोच करता जाएगा, समझ में आया, 3 पे वैल्यू 1/6 होगी। अब आते हैं आगे पार्ट पर, अब मैंने बोला एफ ऑफ 4 कितना है, 5 है, f of 4 is 5, तो 1 upon f4 कितना होगा 1/5, तो 1/5 होगा मतलब इसके ऊपर आएगा 1/6 की, तो इधर आएगा at x is equal to 4 the value will be 1/5। अब इधर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उधर क्या करेगा, इंक्रीज, दिख भी रहा है ग्राफ से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना होगा, तो मुझे ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाना होगा, हेंस इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा। So this is the graph of 1/f(x). आसान है, ठीक है ना, क्या करना है हमें एक बार और हम गो थ्रू करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव की अलग अलग पहले एनालिसिस करेंगे, अलग अलग एनालिसिस मतलब सेपरेटली करेंगे, पहले पॉजिटिव का कर लिया फिर नेगेटिव का, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऑफकोर्स, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि लेट्स से मैं पॉजिटिव का पहले कर रहा हूं, फिर उसमें देखेंगे हम कहां इंक्रीज कर रहा है कहां डिक्रीज कर रहा है, एंड लास्टली एसिम्प्टोट वाला पार्ट, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, लेट्स इधर जैसे 2 पे कट किया तो 2 पे एक एसिम्प्टोट आएगी, क्लियर है बच्चों? चलो इसके आधार पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक का ले लेते हैं, ठीक है? तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम क्वाड्रेटिक का, मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ दिया है और हमें 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का ड्रॉ करना है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। तो देखो मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से क्वाड्रेटिक है मेरा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसका ग्राफ तो मुझे आसान है बहुत, क्या होगा हमारा माउथ पैराबोला अपवर्ड होगा और जिसके दो रियल रूट्स होंगे 1 इंटू, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है 1 2, और चलो इसको एक काम करता हूं 3 ले लेता हूं, सो दैट वर्टेक्स हमारा एक थोड़ा इंटीजर आ जाएगा 1 + 3/2 विच इज 2, ठीक है? अच्छा चलो, अब y इंटरसेप्ट क्या होगा, x को 0 डालेंगे तो दिस विल बी 3, ठीक है? मैंने वर्टेक्स वन निकाल लेते हैं, वर्टेक्स किस पे, x इज इक्वल टू 2, तो 2 रख दो इसमें, तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1, इतना हमें दिया हुआ है ग्राफ, और मुझे बनाना है 1 अपॉन एफ एक्स का। तो सबसे पहला काम क्या करें हम, सबसे पहले एक काम करो, एसिम्प्टोट बनाएगा हम, सबसे पहले एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट कहां बनानी है, जहां मेरा फंक्शन 0 हो रहा हो, दैट इज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो पहले तो मैंने y एक्सिस बना लिया, लेट्स से दिस इज y एक्सिस, दिस इज माय ओरिजिन, फिर मैंने बोला एसिम्प्टोट बनाते हैं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, दो जगह एसिम्प्टोट आएगा,
x is equal to 1 or x is equal to 3. This is 1, this is 3. This is x is equal to 1. अब सुनना, अब कैसे स्टार्ट करें? अब देखो, 0 पे, 0 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की? 3 है. तो 1 upon f0 कितना होगा? 1 by 3. तो 0 पे वैल्यू is 1 by 3. 0 पे वैल्यू is 1 by 3. तो एक काम करते हैं, पहले मैं पॉजिटिव के लिए एनालिसिस कर लेता हूं. पहले पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव पे चलते हैं. तो पॉजिटिव के लिए मैंने देखा, इतना पार्ट का एनालिसिस पहले कर रहे हैं, इतने पार्ट के लिए. तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो उधर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो देखो, जीरो पे वैल्यू कितनी? 3 थी. तो रेसिप्रोकल की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1/3. तो दिस इज 1/3. और मुझे पता है इधर डिक्रीज कर रहा है, तो उधर इंक्रीज करेगा. प्लस कीपिंग इन माइंड x = 1 इज एसिम्प्टोट. तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ? ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. ठीक है, समझ में आया? चलो अब आते इसके बाद वाले पार्ट पे. x is equal to 3 अगेन एसिम्प्टोट है. तो अब क्या होगा मेरा? अच्छा, पहले नेगेटिव पार्ट देख लेते हैं. चलो, x is equal to 2 पे वैल्यू कितनी है? माइनस 1. तो उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन माइनस 1, विच विल बी माइनस 1 ओनली. तो 2 पे वो 2 इधर कहीं लाई करेगा, 2 पे वैल्यू इज माइनस 1. दिस वैल्यू इज माइनस 1. अब हम देखते हैं, मैंने बोला लेट्स से मैं 1 से 2 के लिए पहले देख रहा हूं. तो 1 से 2 के लिए ग्राफ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. तो इधर वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. कीपिंग इन माइंड x is equal to 1 is asymptote. तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ? इस रेंज में डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, और ये एसिम्प्टोट काम कर रहा है. तो पॉसिबिलिटी इज दिस ओनली. ठीक है, इस वाले पार्ट में, इस वाले के लिए क्या होगा? हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो उधर वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. डिक्रीज करेगा, प्लस कीपिंग इन माइंड x is equal to 3 is asymptote. डिक्रीज करेगा, asymptote की तरफ अप्रोच करेगा. तो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ. समझ में आया? नाउ अब आते हैं थर्ड लास्ट पार्ट पे. ग्राफ x is equal to 3 के बाद फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो उधर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. कीप नाउ एंड आल्सो x is equal to 3 is asymptote. तो इन दोनों को अगर क्लब करो तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ? इंफिनिटी पे आएगा और ऐसे जाएगा ग्राफ. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 upon fx. शेड कर देता हूं एक बार. मैंने क्या बताया? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट. दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 upon quadratic. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. अच्छा, एक एग्जांपल और हमने वैसे उसमें लिया था, पीरियोडिसिटी वाले पार्ट में लिया था, 1 upon fractional part of x. उसका ग्राफ और देख लेते हैं, क्योंकि वो भी fractional part का reciprocal है. तो एक example और ले रहा हूं मैं इसको रब कर रहा हूं. You just copy this part. मैंने बोला draw the graph of, उधर भी हमने बनाया था, उधर भी हमने बनाया था. किसका ग्राफ? देखो, मैंने बोला draw the graph of y is equal to 1 upon fractional part of x. तो इसको मैंने कैसे बताया था कि इसका पीरियड क्या है? 1 है. तो मैंने बोला किसी भी एक पीरियड के लिए, एक पीरियड के लिए मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, वही रिपीट करेगा. तो लेट्स से मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं फॉर x is equal to 0 से 1. तो पहले मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बनाया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फॉर x belongs to 0 to 1. तो हमें पता है 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? 0 क्लोज से 1 ओपन आता है. ठीक है, 0 क्लोज से 1 ओपन. अब मैंने बोला मुझे इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ चाहिए, तो बनाते हैं जैसे अभी सीखे उसी हिसाब से. तो देखो, ये ग्राफ x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? x is equal to 0 पे. तो x is equal to 0 पे asymptote आएगा. So x is equal to 0 मतलब y axis, which is asymptote. x is equal to 1 पे वैल्यू कितनी है y की? 1 है. तो 1 पे 1 आएगा, बट इट इज हॉलो. 1 पे 1 है. एंड इधर ग्राफ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो 1 upon fx क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. Now, दो चीज क्लब करो, फंक्शन डिक्रीज करेगा, प्लस x is equal to 1, x is, y axis is asymptote. तो पॉसिबिलिटी क्या बनी हमारी ग्राफ की? ये बनी. बस यही ग्राफ अब रिपीट करता जाएगा, इसको शिफ्ट करके फिर इधर हो जाएगा ऐसे, इधर फिर ओपन आएगा 2 पे, फिर अगेन दिस विल बी एसिम्प्टोट, फिर ये ऐसे शिफ्ट होता जाएगा. तो ये हमने उधर बनाया था ग्राफ, एंड सो ऑन, दोनों साइड करेगा ये रिपीट. ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल. तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. तो पॉज इट एंड कॉपी दिस.
एक बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ग्राफ है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं इसको पहले टॉप, ऐसे टॉपिक भी नाम लिख सकते हो, नहीं तो स्पेसिफिक कैटेगरी है, रेयर चांस है आने का, बट फिर भी आइडिया होना चाहिए। मैंने बोला टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इंटू साइन एक्स या फिर एफ एक्स इंटू कॉस एक्स, और वेयर एफ एक्स इज मोनोटोनिक। तो चलो लिख लो, वेयर एफ एक्स इज मोनोटोनिक, वेयर एफ एक्स इज मोनोटोनिक। तो अब ये तुम्हारे लिए नया वर्ड है, मोनोटोनिक मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक मतलब इंग्लिश मीनिंग तो होता है चेंज नहीं होना, मतलब सेम रहना, बट मैथमेटिकली क्या होगा उसी को मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट करेंगे, सेम रहना मतलब या तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिक है, एक ही नेचर है उसका, मोनोटोनिक। तो इसको ऐसे लिख लो, मोनोटोनिक मतलब इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिक मतलब या तो कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है या कंप्लीटली डिक्रीज कर रहा है। फॉर दैट स्पेसिफिक केस वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इंटू साइन एक्स। तो पहले स्टेप्स लिख लेते हैं क्या है, देखना स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड माइनस एफ एक्स, ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दो ग्राफ बनाने हमें सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और स्टेप टू क्या होगा, विच विल बी योर लास्ट, दिस इज ओनली फाइनल स्टेप, जो एफ एक्स और माइनस एफ एक्स का जो ग्राफ आया ना उसके बीच में साइन एक्स जैसा कर्व बनाना है हमें, क्या लिखा है, इन बिटवीन एफ एक्स एंड माइनस एफ एक्स ड्रॉ साइन लाइक कर्व्स। अभी और क्लियर होगा, ये एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो मेरा इधर एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, x, और मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, पहला स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो पहले लेट से मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, उसने बोला उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाओ, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन मेरी क्या होगी, ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या होगी, इसी का मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट, सो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स और ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखना ध्यान से, देखो उसने क्या बोला, अब ये जो कर्व आ गए y इज इक्वल टू एफ एक्स और माइनस एफ एक्स, इन दोनों के बीच में साइन लाइक कर्व बनाओ, इसका मतलब क्या है, देखो मैं बता रहा हूं, मैंने बोला इसका मतलब है इस टाइप का कर्व बनाना है, दिस इज साइन लाइक कर्व, सिमिलरली यू हैव टू गो विद हियर आल्सो लाइक दिस एंड सो ऑन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये जो मैंने लाइन बनाई है y इज इक्वल टू fx और y इज इक्वल टू माइनस fx, वो नहीं है पार्ट ऑफ ग्राफ, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्राफ, जो मैंने साइन लाइक कर्व बनाया ना एक्चुअली दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्राफ। तो क्या करो बेटर के लिए, तो मैंने सपोर्ट इसको, दिस इज सपोर्टिंग कर्व एक्चुअली, इसलिए इसको डेड डैश लाइन से बना देते हैं, बेटर तुम लोग भी इसको डेड डैश लाइन से बनाओ, कौन सा y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू माइनस fx, उनके बीच में हमें साइन लाइक कर्व्स बनाना है। क्लियर समझ में आया, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के बेसिस पे, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, बाकी थोड़ा बहुत और एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे x इनटू sin ये ऑड है ये भी ऑड है, तो ऑड इनटू ऑड क्या होगा, इवन होगा, तो दिस ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, ठीक है, इस टाइप के और भी एनालिसिस हम इसमें कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो अब मैं एक और कर्व बना रहा हूं इसी टाइप का, उसको मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू लेट से कॉस एक्स, कॉस एक्स ले लो चाहे साइन एक्स ले लो, बात सेम ही है। अब सुनना, तो e की पावर माइनस एक्स मेरा एफ एक्स है और इस टाइम क्या है मेरा डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है मतलब मोनोटोनिक है, मैंने क्या बोला मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीज या डिक्रीज, तो पहले मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाया और वेयर माई एफ एक्स इज e की पावर माइनस एक्स, ये हो गया मेरा एफ एक्स का ग्राफ, तो माइनस एफ एक्स का क्या हुआ, इसी का मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा मेरा ये वाला ग्राफ, दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, पलट जाएगा बस x एक्सिस के अबाउट, ठीक है। देखो इससे पहले वाले में मैंने एक्चुअली क्या लिखा था y इज इक्वल टू x sin x, बट एक्सप्लेनेशन करते टाइम मैंने क्या बोला था
जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन थी उस वक्त मैंने लैंग्वेज यूज की थी y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, इधर मैं x एक्सिस के अबाउट ले रहा हूं, बट एक्चुअली इट शुड बी x एक्सिस के अबाउट, बट उस केस में चल गया, क्यों? क्योंकि इधर मैं y को माइनस y से रिप्लेस करूं या x को माइनस x से रिप्लेस करूं, यू विल गेट द सेम थिंग, बट इधर ऐसा नहीं है. सो प्रॉपर स्टेटमेंट इज वी शुड टेक द मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस. उधर काम चल गया था हमारा x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेने पे, ठीक है ना. चलो हाँ, अब देखते हैं x is equal to 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है. तो यहां से स्टार्ट होगा कर एंड इट विल गो लाइक दिस वे एंड सो ऑन लाइक दिस वे, और जो सपोर्टिंग कर्व होंगे उनको डैश डैश बना देते हैं, ठीक है. बाकी इस कर्व के बारे में हम थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, जब थोड़ा हम डिफरेंशिएशन वगैरह सीख लेंगे ना, तब हम और इसको एनालिसिस करेंगे इसी पर्टिकुलर कर्व को. अभी के लिए इतना काफी है, जस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि ग्राफ कैसा दिखता है ये, ठीक है. तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ एफ एक्स इंटू साइन एक्स एंड एफ एक्स इंटू कॉस एक्स. याद क्या रखना, एफ एक्स मोनोटोनिक है तभी ये वैलिड है, ठीक है ना, अदरवाइज फेल हो जाएगा ये प्रोसीजर, ठीक है. चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं. नेक्स्ट ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिमेट्री से रिलेटेड है. जैसे अपन ने पढ़ा था कि नेक्स्ट पॉइंट इज ऐसे लिख लो, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इवन ऑड, मतलब इवन ऑड वाला ही पार्ट है पर उसका थोड़ा जनरलाइज्ड वर्जन है. क्या है जनरलाइज्ड वर्जन? जैसे मैंने लिखा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इवन होता है. इवन होता है इसका मतलब क्या है, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब ऐसे लिख लेते ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू जीरो. तो ये तो हो गया स्पेशल केस. स्पेशल केस मतलब केवल y x इज इक्वल टू जीरो की बात चल रही है. अब मैंने बोला कि नहीं, मुझे जनरलाइज करना है. जनरलाइज मतलब कि x इज इक्वल टू लेट से 1 ले लिया मैंने, x इज इक्वल टू 2 के लिए ले लिया, तब मेरा ये डेफिनेशन क्या होगी वो लिख रहा हूं. तो देखो इधर लिख रहा हूं मैं, मैंने बोला f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस x इफ देन ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x is equal to a. This is generalized version. कैसे हुआ? अब जैसे x is equal to 0 रखा, तो देखो इधर आ जाएगा वही definition, f x is equal to f of minus x. तो ये मेरा generalized हुआ. अब आया कैसे? That you can verify using transformation of graph. कैसे करेंगे? जैसे मैं एक example ले रहा हूँ. अच्छा, उससे पहले इसको मैं और एक और format में लिख सकता हूँ. कैसे? मैंने देखो ये तो हमेशा true है. This is true for all x. अगर function symmetric है x is equal to a के above, तो मैंने इसमें ना x की जगह मैंने a माइनस एक्स रख दिया. तो इधर क्या आ जाएगा, f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ, तो 2a माइनस a, a और माइनस ऑफ माइनस x विल बी प्लस x, तो इधर जाएगा a प्लस x. तो दोनों फॉर्म याद रखेंगे हम, दीज टू आर इक्विवेलेंट. एक ही चीज लिखिए, तो दोनों फॉर्म में हम याद रखेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स या फिर एफ ऑफ ए माइनस एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स ए प्लस एक्स. इन बोथ द केसेस अगर कोई फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली वो फंक्शन सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए. मैंने बोला इसको हम कैसे समझ सकते हैं, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स. कैसे? जैसे मैंने ले लिया, मान लो ये मेरा लेट्स से दिस इज माय एक्स इज इक्वल टू ए लाइन, तो और मैंने ग्राफ सिमेट्रिक बना लिया. लेट्स से द ग्राफ इज चलो ये ले लिया, ऐसा कब ले लिया, ठीक है. नाउ यू कैन सी सिमेट्रिक है x is equal to a, तो अगर सिमेट्रिक है x is equal to a के अबाउट तो ये डेफिनेशन फॉलो होना चाहिए मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो देख लेते हैं. तो मैंने बोला अगर ये ब्लू वाला जो मैंने अभी बनाया, दिस इज f ऑफ x, तो मेरे को 2a माइनस x तक जाना है, तो दो तरीके से जा सकता हूं. कैसे कैसे? एक तो पहले शिफ्ट करके फिर स्केल करके, या फिर पहले स्केल करके फिर शिफ्ट करके. तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, पहले शिफ्ट करते हैं जो मैंने उधर भी बताया था तुम्हें. सबसे पहले हम क्या प्रेफर करेंगे, शिफ्ट करना. तो मैंने बोला पहले मैं f ऑफ 2a प्लस x का बना रहा हूं, x प्लस 2a का, तो x प्लस समथिंग का बनाते हैं, तो पीछे की तरफ
ग्राफ शिफ्ट होता है 2a यूनिट से, तो ये 2a यूनिट से शिफ्ट होगा, तो ये x = a है, तो कहां जाएगा बेसिकली, इधर बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं यहां से, द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये किसका ग्राफ हो गया, ये माइनस a है, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ f ऑफ x प्लस 2a। अब मैं क्या करूं, अब इसमें मैं x को माइनस x से रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरा f ऑफ 2a माइनस x आ जाएगा, तो माइनस x से रिप्लेस करने से मतलब क्या होता है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, तो यू कैन सी इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये आ जाएगा, समझ में आया। या फिर कैसे कर सकते थे हम, पहले क्या कर सकते थे, स्केल कर सकते थे, देखो या फिर हम पहले क्या करते, f ऑफ माइनस x निकालते, तो f ऑफ माइनस x निकालता तो मेरा ये आता, फिर इसमें x की जगह x माइनस 2a रखता, रख के देखो क्या आएगा, हाँ x की जगह x माइनस a रखो, तो f ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 2a, तो दिस विल बी f ऑफ 2a माइनस x, तो x माइनस 2a से रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब 2a यूनिट्स आगे जाता, तो यही ग्राफ आगे 2a यूनिट चले जाता, तो यही आ जाता, समझ में आया। तो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वी कैन शो दिस। अच्छा ये तो हो गया इवन की बात, सॉरी इवन वाले के करस्पॉन्डिंग, तो मैं क्या बोलूंगा फाइनली, ये जो था ना जो इवन वाला हमने पढ़ा था, दैट वाज स्पेशल केस ऑफ दिस वेयर a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये जनरलाइज हो गया, x इज इक्वल टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, ये याद रखना, इसके बेसिस में एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले ये कंडीशन के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिसलेनियस पॉइंट में बोलूंगा, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a, ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा अब हम ऑड की बात कर लेते हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक फंक्शन ये रूल लिखूंगा मैं, डेफिनेशन लिखूंगा, बाकी एक्सप्लेनेशन पार्ट वही रहेगा यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो मैं पॉज द वीडियो करो और इसको कॉपी कर लो, मैं अब रब करने जा रहा हूं। अब देखना, मैंने बोला जैसे ऑड के लिए हमारा क्या होता था, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x, या फिर माइनस को इधर लिख दो, वन एंड द सेम थिंग, वे क्या बोलते थे हम, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या हो गया, 0, 0, दैट इज 0, 0। अब दिस इज अ स्पेशल केस, अब मैं जनरलाइज देख रहा हूं, अब क्या लिख रहे हैं हम, देखो डेफिनेशन, इफ वही चीज है पुरानी वाली, बस इसमें एक आगे माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस x, देन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, इधर ओरिजिन था, इधर हो जाएगा a कॉमा 0। अब रख के देख लो, a को जब 0 रखोगे तो यू गेट दिस कंडीशन, तो ये जनरलाइज हो गया, दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन a इज 0, ठीक है, इधर a कॉमा 0 याद रखना ये, और ठीक है, और इसको वैसे भी लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में, f ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ a माइनस x, बोथ आर सेम, ठीक है ना, तो दोनों फॉर्म में तुम लोग को याद रखना है, अगर कोई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन डेफिनेटली दैट फंक्शन विल बी सिमेट्रिक, उसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट a कॉमा 0, ये 0 नहीं लिखा है, a कॉमा 0 लिखा है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा फिफ्थ या फिर फोर्थ या फिफ्थ जो भी पॉइंट था, अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, तो इसको और कॉपी कर लो तुम लोग, मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत आसान है वैसे तो, बताना नहीं चाहिए हालांकि, बट उसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा बता ही देता हूं, जैसे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ द टाइप, फंक्शन ऑफ द टाइप, मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस लेट से मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब इस टाइप का फंक्शन होगा, मॉड मॉड मॉड, उसके अंदर लीनियर फंक्शन लिखे होंगे। तो देखो कैसे स्टार्ट करें, देखो एक तो क्या है जनरल मेथड मतलब क्या करें हम, पहले इसको चार रीजन में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ये हो गया मेरा 1, 2, 3, तो चार रीजन क्या हुआ 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इन चारों रीजन के लिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मॉड ओपन करते हैं, तो जैसे मैंने लिखा, चलो पहले प्रोसीजर देखते हैं फिर हम शॉर्टकट देखेंगे हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। मैंने लिखा प्रोसीजर मतलब सॉल्यूशन, तो मैंने कहा पहला केस वन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3,
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये भी मॉड के अंदर पॉजिटिव जो लिखा है वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सारे मॉड क्या होगा डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। तो व्हाट यू विल गेट y की वैल्यू, y की डेफिनेशन क्या आएगी, x plus x 3x minus 7। फिर मेरा आया केस 2, x is less than 3 greater than equals to 2। अब क्या होगा मेरा, ये मॉड पॉजिटिव रहेगा, ये भी मॉड के अंदर जो लिखा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इन दोनों को तो डायरेक्टली ओपन करूंगा, इसको ओपन करेंगे विद नेगेटिव साइन, तो देखना क्या आएगा, x plus x 2x minus x, तो x माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और ये माइनस के साथ ओपन होगा तो फोर, फोर माइनस थ्री इज वन, तो एक्स प्लस वन। फिर आएगा मेरा केस थर्ड, एक्स इज लेस देन टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसमें क्या होगा, ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होंगे, क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर जो लिखा है इन दोनों मॉड के अंदर दैट इज नेगेटिव फॉर दिस इंटरवल ऑफ एक्स। तो ये एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, तो वाई इज कितना आया माइनस एक्स, फिर माइनस वन प्लस टू वन और प्लस फोर फाइव, और लास्टली हो जाएगा x इज लेस देन 1, तो x लेस देन 1 के लिए सारे मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होंगे, तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3x और 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7। अब क्या करें हम, अब ये ग्राफ बना दो, ये तो स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ है, इसे इंटरवल के लिए तो कैसे स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला फॉर x इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब लेट्स से ये 1 है मेरा, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 पे क्या बोल रहा है वो ये डेफिनेशन यूज करो, तो बस 1 के पहले के लिए मैंने लेट्स से 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे वैल्यू रखो, तो 7 माइनस 3 4 आ रहा है, तो 1 पे वैल्यू इज 4, और इससे पहले डेफिनेशन है ये वाली, स्लोप नेगेटिव है तो इस टाइप का कर्व होगा। फिर मैंने बोला 1 से 2 के लिए ये डेफिनेशन है, 2 पे वैल्यू कितनी है, 2 पे वैल्यू है मेरी 5 माइनस 3 2 व्हिच इज 3, तो कुछ तो नीचे आ रही है इसके, 4 के नीचे आएगी इधर आएगी, तो ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन क्या होगी मेरी, इसको थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं मैं, स्लोप अलग दिखे जिससे, क्योंकि इसका स्लोप माइनस वन है, इसका माइनस थ्री है, दिख रहा है ना, ये मोर वर्टिकल है, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक गई लाइन, ठीक है। हाँ, उसके बाद थ्री पे वैल्यू कितनी है, 4, तो अगेन इट विल कीप, इट विल इंक्रीज, और इसका स्लोप कितना है 1, 2 से 3, और फिर 3x स्लोप और बढ़ जाएगा, और फिर हमारा ग्राफ होगा ऐसा। तो यू कैन सी, ये वाली डेफिनेशन लिख देता हूं मैं लाइन ब्रांचेस पे, तो ये तो मेरा हो गया एक्स लेस देन वन मतलब माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन, ये वाला पार्ट हो गया मेरा माइनस एक्स प्लस फाइव, ये वाला पार्ट हो गया मेरा एक्स प्लस वन, दिस इज थ्री एक्स माइनस सेवन, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। बट मैंने क्या बोला, ये तो एक प्रोसीजरल तरीका हो गया, जो भी तुम लोगों ने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा आई होप, ठीक है। बट अब मैंने क्या बोला, हम इसका शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट कैसे होगा देखना, बहुत ही आसान है, उसके लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं मिटा रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना क्या करेंगे हम, देखो हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, जहां मॉड जीरो है, उनको लोकेट करेंगे, बस उनको लोकेट करके ज्वाइन कर देंगे और कुछ नहीं करना है। कैसे, जैसे मैंने बोला क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो 1 पे हमने फंक्शन की वैल्यू देख ली, तो 1 पे वैल्यू कितना है, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1 का मॉड विच इज 1, और ये हो जाएगा माइनस 3 का मॉड विच इज 3, तो 4 आया वैल्यू, तो 1 पे वैल्यू इज 4, वैसे दिख भी रहा है 1 पे वैल्यू 4 आया, बट मुझे इसकी मदद से नहीं बनाना, सेपरेटली कर रहा हूं मैं, तो 1 पे वैल्यू इज 4, तो कोऑर्डिनेट मिला मुझे एक ये पॉइंट, जस्ट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स, दैट्स इट। फिर मेरे 2 पे वैल्यू, तो 2 पे ये वाला मॉड 0, ये 1 हो गया, ये माइनस 2 का मॉड विच इज 2, तो 2 और 1 3 आ गया, तो हमारा कहीं आएगा ये 2 पे कोऑर्डिनेट इज 3। फिर मैंने बोला 3 पे वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 3 नहीं, ये 4 है मेरा एक्चुअली, ठीक है, तो 4 पे ये वाला मॉड 0, 4 माइनस 1 इज 3 और 4 माइनस 2 इज 2, तो ये कितनी वैल्यू आई मेरी, एक बार देख लो, 4 माइनस 1 3 और 2 5, तो वैल्यू विल बी समथिंग 5 लाइक हियर, 4 पे वैल्यू इज 5। अब शॉर्टकट क्या है, ये पॉइंट लोकेट करना तो बहुत आसान है, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो मैंने ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया, अब बाद वाला पार्ट कैसे ज्वाइन करना है, दिस इज अगेन सिंपल ओनली, इसका जो स्लोप है ना उसके स्लोप से ज्यादा वाला स्लोप लाइन खींच दो, तो अगर ये इतना टिल्ट है तो जो आगे जो लाइन आएगी इसके थोड़ा और y एक्सिस की तरफ मूव होगी, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली ये वाली लाइन भी क्या है, इतनी है, तो इसको y एक्सिस की तरफ मोड़ दो, तो ये मेरा ग्राफ हो गया सेम इसी टाइप का, ठीक है ना।
तो समझ में आया कितना आसान हो गया। प्रोसीजर से जाओगे ऑफकोर्स तुम्हें बेटर रहेगा, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर मान लो ये कब काम आएगा, जैसे इसमें ना हमें कब कब काम आ सकता है स्टेप ग्राफ, जैसे वही पूछ लिया कि फॉर, ऐसे बोलेगा फॉर दिस इंटरवल ऑफ एक्स द फंक्शन इज 1 1, या फंक्शन इज मैनी वन फॉर दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे मुझे दिया 1 से 2 के लिए, तो फंक्शन इज 1 1। इस टाइप की चीजें, काफी चीजें पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ इट्स ग्राफ, और वो भी हमें क्या होना चाहिए, फास्ट आना चाहिए। तो फास्ट के लिए मैंने ये बताया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है फंक्शन में, वो और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, और थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। और उसी का जो अभी मैं कराने वाला हूं, उसका नाम क्या है वैसे, फंक्शनल रूल। फंक्शनल रूल, और ये जो पार्ट है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आगे चले डिफरेंशिएशन वगैरह में भी आने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक दिस इज फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट अगर हमारा, तो लिख लो नाम पहले, फंक्शनल रूल। फंक्शनल रूल, ठीक है। फंक्शनल रूल क्या होता है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मैंने लिखा कि एक फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। मैंने बोला एक फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फाइंड दैट फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, मतलब एक डेफिनेट, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं फंक्शनल रूल। फंक्शनल रूल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज में एफ ऑफ वगैरह इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करे। देखो एक तरीका तो क्या है, जैसे जो ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड भी है और ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा। तुम लोग वीडियो पॉज करके सोचो कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। द फंक्शन, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मैं एक लिख रहा हूं, मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, वेर ए इज सम कॉन्स्टेंट, रख के देख लो। तुमने इस साइड रखा एलएचएस में, तो क्या आएगा, ये मेरा एफ एक्स है, ठीक है ना। दिस इज माय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। तो एलएचएस देखते हैं, एलएचएस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस वाई रखना है, तो ए इधर क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई। अच्छा इसको मैं सेपरेटली कैसे लिख सकता हूं, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, और ए की पावर एक्स को अब मैं उल्टा जा रहा हूं, ए की पावर एक्स को क्या लिखूंगा मैं एफ ऑफ एक्स, और इसको क्या लिखूंगा, इसमें इधर एक्स के वाई रख देते हैं, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर आ गया। हैज द फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस रूल इज ए की पावर एक्स। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अभी हम फंक्शन रूल समझ रहे हैं, बट जो भी हमें पढ़ना है एग्जाम्पल्स है वो थोड़ा अलग है, ठीक है ना। चल अभी मैं फंक्शन रूल बता रहा हूँ होता क्या है बेसिकली। तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब तुम लोग वीडियो पॉज करके सोचो, देखो आर्ग्यूमेंट इधर मल्टीप्लाइड है, उधर सेपरेटली लिख दिया, तो क्या क्लिक करना चाहिए, लॉग। देखो मैंने बोला वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, बेस कुछ भी हो सेटिस्फाई करके देख लो क्या लिखेंगे। जैसे मैंने एलएचएस को लिया, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होगा मेरा, जहां जहां इधर एक्स लिखा है, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स एक्चुअली एफ ऑफ एक्स, तो जहां जहां एक्स लिखा है वहां एक्स इंटू वाई लिख दूंगा मैं, तो जगह जगह लॉग ऑफ एक्स वाई। फिर मैंने क्या किया, सेपरेट किया लॉग ऑफ ए इंटू बी, क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो दिस विल बी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब उल्टा लिख दिया, अब लॉग एक्स इज वॉट एफ एक्स, और लॉग वाई कितना हो गया एफ वाई, तो आ गया मेरा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस दिस इज माय रिक्वायर्ड फंक्शन व्हिच सेटिस्फाई दिस फंक्शनल रूल। क्लियर है। अगर जैसे मान लो मैंने इधर माई ऐसे लिखा होता, चलो तीसरे ये सेकंड एग्जांपल तीसरा भी लिख ही लेते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है। एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय वाई, मैंने लिखा एफ एक्स माइनस एफ वाई। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर देंगे, इतना समझने के बाद इसका तुरंत लिख दोगे, बहुत से बच्चे लिख देंगे, क्या होगा ये हो जाएगा मेरा, एक मिनट को, हाँ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स ही होगा, रख के देख लो क्या आएगा हमारा। इधर आएगा लॉग ऑफ एक्स वाई एक्स अपॉन वाई, तो उसको मैं लिखूंगा लॉग ऑफ ए बाई बी से लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और लॉग एक्स को क्या लिखूंगा एफ एक्स, लॉग वाई को एफ वाई, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो यही चीज आ गई। तो आई होप समझ में आया होगा फंक्शनल रूल होता क्या है। अब हम इसके एक्चुअल क्वेश्चंस में जाते हैं, तो वीडियो पॉज करो और ये तीनों एग्जांपल कॉपी कर लो, ये वाला फंक्शनल रूल, ये फंक्शनल रूल और ये फंक्शनल रूल, ठीक है।
रब कर देता हूँ इसको। तो हमारा क्वेश्चन होगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड एफ एक्स, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको। मैंने बोला क्या किया जाए, देखो मुझे निकालना क्या है, एफ एक्स निकालना है। अभी मेरा क्या दे रखा है, एफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स दे रखा है। तो देखो मेरे को, मेरा टारगेट है कि ये खत्म हो जाए, मतलब एफ एक्स निकालना है तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स खत्म हो। तो इसका एक सोचने का एक तरीका क्या है कि मुझे एक और रिलेशन मिल जाए एफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स में। मैंने क्या बोला, लेट्स से मेरे को मैंने बोला कि के वन टाइम्स एफ एक्स प्लस के टू टाइम्स एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस समथिंग, ऐसा कुछ मिल जाए। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को दो वेरिएबल एफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स में सॉल्व करके एफ ऑफ वन माइनस एक्स एलिमिनेट कर सकता हूं। एक बार और दोबारा सुनना, मैंने बोला कि एक इक्वेशन ऐसी दे रखी है, ऐसे समझो कि इधर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल से मेरा मतलब है एक एफ एक्स और एक एफ ऑफ वन माइनस एक्स। मैंने बोला इन्हीं दो वेरिएबल में एक और रिलेशन किसी तरीके से मिल जाए तो उन दोनों रिलेशन को यूज करके एफ ऑफ वन माइनस एक्स एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हुआ एक चीज, अब लाएंगे कैसे। अब मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ वन माइनस एक्स इसी इक्वेशन में दोबारा चाहिए, तो डेफिनेटली एफ इधर है मेरा, तो मैं क्या करूं, इसके आर्ग्यूमेंट को वन माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूं। इसका मतलब क्या है, इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां एक्स दे रखा है उसको मैं रिप्लेस करूंगा वन माइनस एक्स से। तो देखो इधर एफ ऑफ वन माइनस एक्स आ जाएगा, और फिर क्या होगा, अगर क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा ना तो लकीली इधर एफ एक्स आ जाएगा। मैं 100% नहीं बोलूं आ जाएगा, इन मोस्ट ऑफ द केस आ जाएगा। जैसे इधर रखो, मैंने बोला क्योंकि इसने बोला दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, दैट मीन्स एक्स के लिए मैं कुछ भी रखूं, तो मैंने एक्स के लिए वन माइनस एक्स रख दिया। तो मेरा क्या आ गया, ये एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री टाइम्स वन माइनस एक्स, ठीक है। क्या किया मैंने इसमें, एक्स की जगह वन माइनस एक्स रिप्लेस किया। नाउ यू सी कि ये हो गया मेरा एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस, अब देखो ये वन से वन कैंसिल, ये मेरा लकीली एफ एक्स बन गया, और ये टू टाइम्स दिस इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री एक्स, दिस इज माई इक्वेशन टू, और जो मेरी गिवन थी उसको मैंने इक्वेशन वन बोला। नाउ यू कैन एलिमिनेट एफ ऑफ वन माइनस एक्स, क्या करो इस पूरे को टू से मल्टीप्लाई करके पहली इक्वेशन से घटा दो। तो कर देते हैं, मैंने बोला इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई किया और इससे घटा दिया, सो दैट एफ ऑफ वन माइनस एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो इधर टू इंटू टू फोर, फोर एफ एक्स माइनस एफ एक्स थ्री एफ एक्स, टू टू टाइम्स एफ ऑफ वन माइनस एक्स माइनस टू टाइम्स एफ ऑफ वन माइनस एक्स, वो तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू टू इंटू थ्री सिक्स माइनस टू इंटू माइनस थ्री होगा माइनस सिक्स एक्स और माइनस थ्री एक्स। तो फाइनली मेरा एफ एक्स कितना आ गया, सिक्स माइनस नाइन एक्स बाय थ्री विच इज टू माइनस थ्री एक्स। तो ये एक फंक्शन आ गया जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस फंक्शन को दैट यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, यू कैन सब्सटीट्यूट दिस फंक्शन हियर, यू विल गेट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो समझ में आया, फील आई कैसे हो रहा है, और अच्छी फील आई। अभी हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। देखना मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं एक तो, और एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देंगे। अब मैंने लिखा एग्जाम्पल टू, अब ये तुम लोग पहले खुद से ट्राई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ एक्स प्लस थ्री टाइम्स एफ ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर ऑफकोर्स माइनस जीरो, तो जीरो पे वन बाय एफ एक्स तो डिफाइन नहीं होगा ना, एफ ऑफ वन बाय एक्स। तो मैंने बोला ये फंक्शन निकालना जो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉज द वीडियो एंड डू ऑन योर ओन, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। तो देखना, अब देखो इधर तो सोचना और आसान हो गया है, उधर तो फिर भी थोड़ा सा क्रिटिकल था। अब मैंने क्या बोला था, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या बोली थी, कि मुझे
ये एक वेरिएबल है और एक लेट से ये वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल में एक और इक्वेशन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं अगर इसका इस से स्टार्ट करूं सोचना, तो ये 1 बाय एक्स का होगा जब मैं एक्स को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करूं, एंड लकीली जब मैं एक्स को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करूंगा तो ये एफ एक्स बन जाएगा। तो क्या हुआ मेरा एफ एक्स, मेरा क्या हुआ, यही दो फंक्शन दूसरी इक्वेशन में आ जाएंगे, तो मैं दो वेरिएबल की तरह ट्रीट करके एक एलिमिनेट कर दूंगा। क्या मैंने लिखा, इधर रिप्लेस एक्स विथ 1 बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। मैंने बोला कि ये हर एक x के लिए ट्रू है ना, x को मैं कुछ भी रखूं, लेट्स से मैंने x को 1 बाय एक्स रखा इस पूरे रूल में। तो अब क्या करो, ये लेट्स इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मुझे एफ ऑफ 1 बाय एक्स एलिमिनेट करना है, तो क्या करो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 3 एफ ऑफ 1 बाय एक्स वो तो 0 हो गया, 3 3 का 9 एफ एक्स माइनस एफ एक्स 8 एफ एक्स इज इक्वल टू 3 बाय एक्स माइनस एक्स, दैट्स इट। तो मेरा आंसर फाइनली आया 1 बाय 8 टाइम्स 3 बाय एक्स माइनस एक्स, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एफ एक्स। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब मैं इसके बेसिस पे एक तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, वो थोड़ा इन दोनों से फार बेटर होगा, और बेटर इन द सेंस कि जब तुम इसको रिप्लेस करोगे ना इस आर्ग्यूमेंट को, तो इधर तो ठीक है चलो वो वाला ये वाला आर्ग्यूमेंट बनेगा क्योंकि तुम वही सोच के तो रिप्लेस कर रहे हो, बट इधर ना ये चीज नहीं बन पाएगी, इस टाइप का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी कर लो, पॉज करके मैं इसको रब कर देता हूं। दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन जो मैं अभी लिख रहा हूं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, पहले तुम लोग थोड़ा एनर्जी दो, बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है काफी। मैंने बोला क्वेश्चन इज लेट एफ ऑफ वही एफ एक फंक्शन है जो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, मैं रूल लिख रहा हूं डायरेक्टली, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स। दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ऑफकोर्स आई विल डिस्कस, डोंट वरी, तुम व्हाट्सएप करके भी मुझसे पूछ सकते हो इसका सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जनरल लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होती है, मैं बस वो बता रहा हूँ कि तुम अटकोगे कहाँ अटकोगे। मैंने बोला कि जैसे मैंने अभी दो क्वेश्चंस में हमने देखा क्या ट्रेंड है हमारा, क्या प्रोसीजर है, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, कि हम इस आर्ग्यूमेंट को ये बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हर बच्चा क्या करेगा, एक्स को रिप्लेस करेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स से, जैसे हर बार करते हैं हम ये आर्ग्यूमेंट। तो इधर तो बन जाएगा मेरा क्या, एफ ऑफ यही चीज बन जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स, बट इस बार क्या होगा ना, तुम्हारा इधर एफ ऑफ एक्स नहीं बनेगा, देखना तुम करके ये चीज इसमें रखो एक्स की जगह, तो एफ एक्स नहीं बनेगा, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, दिस इज इसलिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगेगा और एनर्जी देना थोड़ी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। देखो ये भी ठीक क्वेश्चन है वैसे, एग्जाम्पल एफ ऑफ कॉस थीटा प्लस ट्वाइस एफ ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो तुम लोगों को निकालना है फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस, तो स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करके मैं इसको डिस्कस करता हूं। तो क्या करें हम, अगेन लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होती है हमारी, स्टार्ट पूछिए कि इसके अंदर जो है वो ये बन जाए, तो कॉस थीटा को मुझे साइन थीटा बनाना है, तो मैं डेफिनेटली क्या करूं, थीटा को या तो पाई बाय टू माइनस थीटा या पाई बाय टू प्लस थीटा करते हैं, तो लेट्स से मैंने पाई बाय टू माइनस थीटा किया, दोनों कर सकते हो, पाई बाय टू प्लस थीटा भी कर सकते हो। ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज इसका आर्ग्यूमेंट ये वाला बन जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा जो साइन थीटा प्लस ट्वाइस एफ ऑफ साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। चलो तो अब क्या करें हम, इक्वेशन 1 ये है मेरी, इक्वेशन 2 ये है मेरी, तो मैंने किया क्या किया, लेट्स से मैं ये वाला पार्ट एलिमिनेट कर रहा हूं, मैं साइन थीटा के टर्म्स में लिख रहा हूं आंसर, ठीक है ना। मैंने बोला क्या करें हम, इस वाली पूरी इक्वेशन को ये एलिमिनेट करना है मुझे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने बोला इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो 2f cos थीटा 2f cos थीटा कैंसिल हुआ, इधर से 2 2 4 4f sin थीटा माइनस f sin थीटा, तो कितना है 3 f ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय थ्री टाइम्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे क्या निकालना है इसमें, मुझे निकालना है फाइंड एफ एक्स। तो अभी हमने एफ ऑफ एक्स तो निकाला नहीं है, अभी मैंने एफ ऑफ साइन थीटा निकाला है। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा कि जो भी इधर लिखा है ना, एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। क्योंकि अगर ये साइन थीटा टाइप की चीज आ गई तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को एक्स बोल देंगे, क्या दिक्कत है। तो एफ एक्स आ जाएगा मेरा। तो अब मेरा टारगेट क्या है, इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। और नाउ दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत आसानी है। कैसे है देखो, वन बाय थ्री टाइम्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं कैसे लिखूं, तो एक काम करते हैं, अभी टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो बस अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखो, वन माइनस साइन स्क्वायर, और इसको भी वन माइनस साइन स्क्वायर। तो अल्टीमेटली एफ ऑफ साइन थीटा ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे रिलेशन में साइन थीटा को एक्स बोल रहा हूं। तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, वन बाय थ्री टाइम्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब तुम इसी फॉर्म में छोड़ दो या फिर इसको थोड़ा और फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई इट बाय टेकिंग एलसीएम एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों? चलो देखो, अभी तक हमने जो किया वो एक वेरिएबल में किया, मतलब जैसे इससे पहले वाले में एक्स था, इधर थीटा है। अब एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम एंड अप करेंगे आज के लेक्चर को। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो तुम लोग, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। क्या बोला मैंने कि अभी तक जो भी हमने किया था वो सिंगल जो फंक्शनल रूल लिखा था उसमें जो वेरिएबल पार्ट था या तो एक्स था या थीटा था, मतलब सिंगल एक ही वेरिएबल था जो फंक्शनल रूल है। अब इंस्टेड ऑफ वन देयर विल बी टू वेरिएबल्स, तो वो अब देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर फंक्शन एंड अप हो जाएगा। तो लिख लो इस क्वेश्चन को, इफ अ फंक्शन सेटिस्फाइड दिस रूल, द रूल इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई इंटू टू एक्स प्लस वाई। तो पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं बस मैं। फॉर ऑल एक्स वाई कॉमा बिलोंग्स टू आर, और एक इंफॉर्मेशन दे रखिए, एंड एफ ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री, फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स। ये तुम्हें सॉल्व करना है। तो एक बार खुद से ट्राई मार सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत हार्ड है, कुछ नया बहुत बहुत ज्यादा नया नहीं है, एक बार ट्राई तो ऑफकोर्स करना चाहिए। मैं इसको अब बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, देखना क्या किया। अब देखो उसने बोला है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, मतलब मैं एक्स को कुछ भी रख सकता हूँ, वाई को कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट के लिए अगर मैंने देखिए एफ ऑफ, अगर मैंने देखना क्या करें हम, इधर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इधर एफ एक्स है। तो मैंने क्या किया, एक्स को जीरो डाला। देखो अगर तुमने वाई को जीरो डाला, देखो इन जनरली इस टाइप के केसेस में क्या होगा, तो एक्स और वाई को एटलीस्ट एक को किसी को एक इन मोस्ट ऑफ द केसेस जीरो डालोगे। लेकिन अगर मैंने इधर मान लो वाई को जीरो डालो तो इधर क्या आएगा, एफ एक्स, इधर क्या बचेगा एफ एक्स, इधर क्या बचेगा जीरो। तो एफ एक्स एफ एक्स कैंसिल, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, उससे कुछ फ्रूट इक्वेशन तो आई नहीं। फिर मैंने क्या किया, एक्स को जीरो डाला, तो इधर से क्या आएगा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, इधर से आया एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स को जीरो डाला तो वाई स्क्वायर। तो एक रिलेशन मेरा ये आया, ठीक है। अच्छा अब मुझे एफ ऑफ जीरो निकालना है, विच इज नथिंग बट सम कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंट है। तो ये कॉन्स्टेंट किसकी मदद से निकालूंगा, एक और इंफॉर्मेशन दिए, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री, तो वो यूज कर लेता हूं। तो वाई की जगह वन डाला, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, दिस इज एफ ऑफ जीरो कॉन्स्टेंट प्लस वाई स्क्वायर, तो वन स्क्वायर, तो एफ ऑफ वन इज थ्री, तो थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस वन, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ गया टू, वो दोबारा इधर रख दिया, तो मेरा एफ ऑफ वाई कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ जीरो विच इज टू। तो एफ वाई ये है मेरा, तो एफ एक्स क्या हो गया, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो पैराबोला है ये, तो हेंस दिस इज द फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस फंक्शनल रूल।
आई होप समझ में आया होगा, और भी तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएंगे शीट में है ऐसे, शीट में तो आई थिंक आई डोंट नो शीट में फंक्शन रूल के बेसिस पे है कि नहीं, बट सीएज में जरूर अवेलेबल है। मैं तुम लोगों को कल के लेक्चर मतलब जो आज तुम लेक्चर जो देखोगे उसी के बाद मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंक्शनल रूल, तो थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला ये वाला टॉपिक अगेन आएगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन में, बट उधर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का होगा, उधर डिफरेंशिएशन वगैरह इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, तो वो हम उधर की उधर देखेंगे। तो फिर दैट्स इट आज के लिए, और आज फाइनली हमारा फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना लिमिट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।